ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्या तुम लेकर आए थे जो तुमसे छीन लिया गया है? जो पाया तुमने यहीं से पाया, और जो छूट गया वह भी यहीं से पाया था। तुम अपने साथ ना तो कुछ लेकर आए हो, ना ही कुछ अपने साथ लेकर जाने वाले हो। तो व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, आज वो तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा, और परसों किसी और का। यही विधाता का नियम है। तो मेरे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अगर भगवान ने आपसे आपकी कीमती चीज को छीन लिया है, जो आपकी सोच से भी परे ही, आपने कभी सोचा भी ना हो कि आपके साथ कभी ऐसा होगा, तो आप इस बात के लिए निश्चित हो जाएं कि वह भगवान आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। क्योंकि जो होता है वह उस मालिक की मर्जी से होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। कुछ इंसान हमारे लिए किस्मत की तरह होते हैं, जो बहुत दुआओं के बाद हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे बहुत दुआओं से मिलते हैं, और जो हमारी किस्मत को ही बदल देते हैं। तो जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। उस परमात्मा पर विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें, सबकी भलाई करते रहें, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। और जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। बस उस परमात्मा का नाम जपें, उनका ध्यान करें, यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। और जो वह करते हैं उनकी लीला को देखते रहें। बस अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन सच्चा है, तो वह मालिक कभी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और जो लोग दूसरों को सुख और खुशियां देते हैं, उनके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। सदा जपते रहो ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।